नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आज एक ऐसे पुलिस अफसर की हम बात कर रहे हैं, 23 वर्ष में आईपीएस चुने गए और धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचे। हम ओपी सिंह की बात कर रहे हैं, जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन हम उनकी पूरी कहानी ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी ओपी सिंह 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के लिए कयास शुरू हो गई है। बता दें, नए डीजीपी का सिलेक्शन यूपीएससी करेगा। नए नियमों के मुताबिक सरकार को अधिकारियों के नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। नए नियमों के अनुसार रिटायरमेंट से कम 3 महीने पहले प्रदेश सरकार को 3 से 5 आईपीएस अधिकारी के पैनल आयोग को भेजने होंगे। मौजूदा डीजीपी 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह 31 जनवरी 2020 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके अलावा जनवरी 2020 में 2 अन्य वरिष्ठ आईपीएस डीजी इंटेलिजेंस भावेश कुमार सिंह व डीजी विशेष जांच महेंद्र मोदी भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मौजूदा डीजीपी ओपी सिंह के रिटायर होने पर 1985 बैच के डीजी विजिलेंस हितेश कुमार अवस्थी व 1986 बैच के जवाहरलाल त्रिपाठी, 1987 बैच के आरपी सिंह वरिष्ठता में सबसे आगे चल रहे हैं। हम आपको बता दें, ओपी सिंह यानी ओम प्रकाश सिंह 2 जनवरी 1960 को बिहार के गया जिले में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम शिवधरी सिंह, और अगर इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ओपी सिंह ने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया, फिर आपदा प्रबंधन में एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। ओपी सिंह ने मद्रास विश्वविद्यालय में एमफिल किया है। महज 23 वर्ष की उम्र में वह 1983 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए। ओपी सिंह ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ग्रहण की। आईपीएस चुने जाने के बाद वो यूपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी और अमरोहा में पुलिस अधीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने भारत की अतिरिक्त सुरक्षा अपराध जांच कानून एवं व्यवस्था खुफिया विभाग समेत इलाहाबाद में कुंभ मेला जैसे आयोजनों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। साल 1992-93 में आतंकवादी गतिविधियों के मामले से लेकर सिया सुन्नी विवादों को निपटारे तक उन्होंने अपनी कार्य कुशलता दिखाई है, जिसके लिए उन्हें साल 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्होंने एनडीआरएफ में योगदान देते हुए जम्मू कश्मीर बाढ़, नेपाल में भूकंप, शहरी बाढ़ जैसी बड़ी आपदाओं के बाद हालात से निपटने के साथ साथ हजारों पीड़ितों को बचाने के लिए सफलतापूर्वक अपनी टीम का संचालन किया, जिसको लेकर ओपी सिंह को एक्सीलेंट अवार्ड, भारतीय पुलिस पदक जैसे कई अवार्ड मिले हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।